अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान बाबर आजम हमारे साथ मौजूद हैं प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर द वेस्ट इंडीज सीरीज। सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट पे रखें ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, और दूसरा ये कि अगर एक सवाल एक बार हो गया तो फिर दूसरे किसी टॉपिक पे कर लें ताकि सबको मौका मिल जाए। तो सबसे पहले सुहेल इमरान, अगर आप सवाल कर लें, और फिर रशीद शकूर। अस्सलाम वालेकुम बाबर, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि पिछले परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी, कुछ क्रिटिक्स का मानना यह है कि तीनों फॉर्मेट के जूझूं वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, मुकाबला भी सख्त मिलने शुरू हो गया, तो बाबर के ऊपर अंड्यू प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि कोई कहता है कि उसको सब दो फॉर्मेट करने चाहिए, उसकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो मुतासर हो रही है, वो उस तरह जिसका कंसिस्टेंटली परफॉर्म पास में करते रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। तो आप पर्सनली क्या फील करते हो कि आया ऐसा कुछ है कि आपकी जो पर्सनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो कप्तानी के प्रेशर की वजह से उसमें कंसिस्टेंसी वो नहीं रही है? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, और मेरे ख्याल से पहले तो समझना चाहिए कि कप्तानी होती क्या है, और कप्तानी यही है कि ऑन फील्ड आपने प्लेयरों को क्लैरिटी देनी है, बॉलर्स को जब मार पड़ी है उनको बैकअप करना है, और बैट्समैनों को जब परफॉर्म हो रहा है तो वो सब साथ होते हैं, लेकिन जिससे नहीं हो रहा उनको बैकअप चाहिए, उनको बैक चाहिए होती है। तो कोशिश यही होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, और जब से कप्तानी मिली है मार्जिन ऑफ एरा ज़्यादा होता है, और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, और कोशिश यही होती है मेरी कि मैं हर मैच में परफॉर्म करूं, और जब से कप्तानी कर रहा हूं मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, और इस चीज़ को मैं चैलेंज दे रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को मैं कैरी ऑन कर रहा हूं, और वैसा कोई प्रेशर नहीं है, और कोशिश यही है कि इसको मज़ीद इम्प्रूव करूं और इसको कंटिन्यू करूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम बाबर, T20 वर्ल्ड कप से पहले अब ये एक सीरीज है, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से मैचेस हैं, तो मिसबा ने भी ये कहा कि 8-9 प्लेयर्स ऐसे हैं, मतलब ज्यादातर जो आपके जो प्लेयर्स हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं कि भाई ये हमारे प्लेयर हैं,
मिडिल ऑर्डर जो है अभी तक एक्सपेरिमेंट कह लें या मजबूरी कह लें कि आप हर एक को मौका दिए जा रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों से हो नहीं पा रही है। तो ये कितनी तशवीश की बात है कि अब इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एक दो सीरीज पहले तो हमें कॉम्बिनेशन एक पूरा एक तैयार हो जाता है जो आपका एक फाइनल मतलब प्लेइंग 11 जो होती है, लेकिन अभी तक हम वही 16-17 या 14-15 के गिर्द ही घूम रहे हैं, तो ये कितनी तशवीश की बात है। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है, मेरे ख्याल से यही परफॉर्मर्स हैं और इन्होंने ही PSL में परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है और वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है, तो कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करें। और बिल्कुल जिस तरह आपने देखा था कि इंग्लैंड ने भी अपनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से खिलाए और एक मैच में कप्तान भी बाहर बैठा था, वेस्ट इंडीज में भी यहाँ पे देखें कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन से वो ट्राई आउट कर रहे थे, तो हम भी इस सीरीज में कोशिश यही करेंगे कि अपना बेंच स्ट्रेंथ और डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। बाबर, मिडिल ऑर्डर के ऊपर उन्होंने बात की थी, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से। मिडिल ऑर्डर देखें, मिडिल ऑर्डर जैसे मैंने बात की कि यही परफॉर्मर हैं और इन्हीं को यही बैक करेंगे इनको और डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे और ट्राई आउट करेंगे हम। और जी थैंक यू। शाहिद हाशमी और फिर मोहिशा। बाबर अस्सलाम वालेकुम, पहले ही बताइए कि वेस्ट इंडीज की टीम फिर से खतरनाक नजर आ रही है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों में 58 सिक्सेस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 53 सिक्सेस, तो 111 छक्के तो वो 10 मैचों में लगा चुके हैं, तो उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा एज हार्ड हिटिंग टीम, कितना मुश्किल होगा? नहीं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमारा काफी अच्छा रिकॉर्ड है और काफी अच्छी हम उनके अगेंस्ट क्रिकेट खेले हैं और काफी कॉन्फिडेंस है हम, और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। T20 आपको पता है शॉर्ट फॉर्मेट है, तो इंशाल्लाह जिस तरह हमने इंग्लैंड में भी डिफरेंट क्रिकेट खेली है, जिस तरह हमने 200 किया था उससे पहले भी हमने T20 में 200 किया था, तो कोशिश करेंगे फेयरलेस क्रिकेट खेलें। और यहाँ पे वेस्ट इंडीज में थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है, इंग्लैंड में डिफरेंट कंडीशन थी, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है पावर? जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि ये सीरीज कितनी इम्पोर्टेंट है जी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए और वर्ल्ड कप के लिए फाइनल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, जो आपका 15 या 18 का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि ये सीरीज हमारे लिए कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और डिफरेंट प्लेयर ट्राई करें, जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उनको भी चेक करें, और जिस तरह हमने पहले भी इंग्लैंड में हमें चांस नहीं मिला, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे मैचेस हैं कि हम डिफरेंट टीम के साथ जाएं, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ जाएं और ट्राई आउट करें। कोई भी अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उमर कॉल्सन और फिर जोजी भाई। बाबर आपने बड़ा एम्फसाइज किया कि हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है, वेस्ट इंडीज में तो हम अच्छा करेंगे, लेकिन जो आपकी ऑनगोइंग फॉर्म है वो ज्यादा मैटर करती है, पास्ट में क्या हुआ वो चेंजेबल है, हर चीज चेंज होती है वक्त के साथ साथ, तो ऐसा क्या डिफरेंट करेंगे जो आप जो पिछली आप इंग्लैंड सीरीज आप खेलते हुए आ रहे हैं यहाँ पे आप अच्छा कर पाएंगे, ऐसा क्या डिफरेंट करेंगे? देखें जो बुरी चीजें की हैं वहाँ पे, जो मिस्टेक्स की हैं उससे हम सीखे हैं बैठे हैं, बात की है, डिस्कस की है, तो कोशिश करेंगे वो चीज रिपीट ना करें और ट्राई आउट करेंगे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन और कॉन्फिडेंस देंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशंस हैं, उनको हमने 2 दिन से प्रैक्टिस की है, उस पर फील्डिंग पे हमने ज़्यादा काम किया है और बैटिंग बॉलिंग तो कर रहे हैं लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा ज़्यादा काम किया, थोड़ी सी फील्डिंग हमारी थोड़ी सी लैग करी थी लेकिन उस पर हमने 2-3 दिन ज़्यादा काम किया, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आवाज आ रही है बाबर? जी 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 हाँ। बाबर आपका और रिजवान की ओपनिंग की जोड़ी पे बहुत बहस चल रही है कि आपकी जो ओपनिंग जोड़ी है उसकी कंसिस्टेंटली आलंग आप दोनों परफॉर्म कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी लोग देखना चाह रहे हैं कि शर्जील खान इस प्लेइंग 11 में कहां फिट इन होते हैं, तो कुछ स्कीम ऑफ थिंग्स बताएंगे आपके शर्जील खान अगर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है वर्ल्ड कप की, तो किस नंबर पे आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में आते हैं? देखें शर्जील खान टॉप ऑर्डर में खेलते हैं और कोशिश करेंगे कि उनके लिए अगर उनको हम खिलाएंगे तो ऊपर वाले नंबर पे ही खिलाएंगे, और अभी बैठेंगे डिसाइड करेंगे, ऑलमोस्ट हमने डिसाइड कर लिए और हम कल आपको नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, कादिर ख्वाजा एंड अब्बास रजा। जी अस्सलाम वालेकुम। बाबर मेरा सवाल है कि मिडिल ऑर्डर हमारा शुरू से ही कोलैप्स करता आ रहा है, मिडिल ऑर्डर में सुहेब ने भी इस तरह ऐसे परफॉर्म नहीं किया, आजम को भी आपने सिर्फ 9 बॉल्स खिलाई और उसके बाद ड्रॉप किया, सबसे पहले मिडिल ऑर्डर का हमें ये बताएं कि कब से इसको मुतवातर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप भी सर पे, और दूसरा हारिस रऊफ कंसिस्टेंसी से फॉर्म नहीं कर रहे, हारिस रऊफ लैग कर रहे हैं बॉलिंग में, उनको काफी स्कोर भी कंसीड होता है, जोर भी लगाते हैं, तो क्या उनके मुतल देखें मिडिल ऑर्डर जहाँ तक आपने बात की, हमने मिडिल ऑर्डर्स जो शुएब मकसूद को लाए हैं, आजम खान को लाए हैं, अनफॉर्चुनेटली आजम खान को 2 मैच खेला है और जिसमें वो प्रॉपर तरीके से भारी नहीं है, और तीसरे मैच में हमें कंडीशंस कुछ ऐसी लगी कि जिसकी वजह से हमने डिफरेंट कम्बिनेशन खिलाया, लेकिन कोशिश यही होगी कि प्रॉपर चांस दिया जाए और डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ खेलें हम, और बिल्कुल हारिस रऊफ की जहाँ तक बात है उसने पास में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, और क्रिकेट है अप एंड डाउन होते रहते हैं, और उस पर हमने काम हो रहा है और थोड़ा उनके साथ डिस्कस भी हो रही है कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैच विनर है वो, हमारा मैच विनर बॉलर है, काफ़ी कॉन्फिडेंस है मुझे और इस सीरीज में इंशाल्लाह आपको डिफरेंट नज़र आएगा। खबर मेरा सवाल यह था कि जो है हमारी ये काफी डाउन नजर आई है इंग्लैंड दोबारा करने का इस तकरीबन पेस बैटरी, मैंने कहा हमारी बड़ी डाउन नजर आई है और 29 तक भी रन्स देते रहे हैं पेसर्स ने, तो अब इसको एड्रेस करने के लिए शुगर को क्या किया है? वेस्ट इंडीज की कंडीशंस भी थोड़ी मुख्तलिफ है, यहां फास्ट बॉलर्स को वैसे भी कम मदद मिलती है। भैया किसी का माइक ऑन है, इनके सवाल का समझ नहीं आया मुझे। हेलो बाबर आवाज आ रही? जी आप करें दोबारा सवाल। हाँ जी बाबर, पूछना ये था कि पेस बैटरी जो है हमारी ये बड़ी डाउन रही है इंग्लैंड में, और यहाँ पे तो कंडीशंस बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं क्योंकि स्लो टर्निंग पिचेस हैं, तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए क्या होमवर्क किया है? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो विकेट होता है, लेकिन बारबाडोस में थोड़ा आपको फास्ट बॉलर को बाउंस मिलता है और थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ यहाँ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, और उनसे बात भी की है, कल प्रैक्टिस भी की है, और बिल्कुल जो पास में हमने मिस्टेक किए हैं वो उस पर रिपीट नहीं करेंगे। देखें सब एक्सपीरियंस बॉलर हैं, हसन अली शहीनशाह इंशाल्लाह ये कम बैक करेंगे, और उन्होंने वहाँ पे भी अच्छी बॉलिंग की, जिस तरह हसन अली देखें काफ़ी अच्छी फॉर्म में, एक्सपीरियंस शो करवाता है वो, और उसी को ही देख के हम आगे चलेंगे और कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे सीपीएल भी खेले हुए तो हमें थोड़ी सी कंडीशंस का पता है। लास्ट क्वेश्चन अर्सलान। अस्सलाम वालेकुम बाबर, वेस्ट इंडीज की सीरीज को अगर देखा जाए तो स्पिनर्स के खिलाफ वो एक मौके पे स्ट्रगल करते नजर आए हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी और अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, हम उस्मान कादर को लगातार बेंच के ऊपर बिठाए हुए हैं, हमने नो डाउट इंग्लैंड में एक मैच में मौका दिया है, तो क्या हम समझ रहे हैं कि यूएई में वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है, तो इस पांच ये चार मैचेस की जो T20 सीरीज है हमारे स्पिनर्स जो हैं और उस्मान कादर बिल्कुल जो है वो प्लेइंग 11 में होते नजर आएंगे, खेलते नजर आएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे टर्निंग विकेट है और यहाँ पे स्पिनर को हेल्प मिलती है, और ये भी हमारे जहन में है और डिस्कस किया हमने, तो हमें लगेगा तो हमें कम्बिनेशन के साथ चलेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रॉपर मैचेस दिए जाएं स्पिनर्स को भी, और वर्ल्ड कप वही पास है तो हम अपना डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
बाबर आजम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे हेडशॉट्स हैं, उनको मौका नहीं मिल सका, उनसे माजरत, उनको मौका देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू जी।